Welcome all, this is Himanshu Agarwal and we will discuss about three-tier government in this video. So, first point is the concept of three-tier government was added by 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992. Okay, jo concept hai three-tier government ka, wo add kiya gaya hai, insert kiya gaya hai, kis? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 1992 के 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा थ्री टायर गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया. ओके, सेकंड पॉइंट इज हम जानेंगे थ्री टायर गवर्नमेंट कहते किसे हैं अभी नेक्स्ट जो पॉइंट्स आएंगे उसमें. सेकंड पॉइंट इज ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइडेड फॉर अ ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम लाइक एनी अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जो सेम ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम है कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट फेडरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, वो ओरिजिनली वैसा ही था. बट लेटर ऑन जब 1992 की हम बात कर रहे हैं तो ये फील किया गया कि ग्राउंड लेवल पे एक अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है जिसमें पंचायत का जिक्र किया गया कि पंचायत होना चाहिए ग्राम लेवल पे, ठीक है, जो कि ढंग से जो पॉलिसीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की उसको कंडक्ट करा सके. ठीक है, तो इंडिया ही में एक ऐसा विचित्र चीज देखने को मिलती है कि थ्री टायर गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होता है. ठीक है, बट लेटर ऑन दिस कॉन्सेप्ट वॉज अडॉप्टेड, यही कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में अडॉप्ट किया गया. किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर ऐसा नहीं है, वहां ड्यूअल पॉलिटी है, बट इंडिया में ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है. ठीक, थर्ड पॉइंट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इंसर्टेड पंचायत्स, जो कि हम जान रहे हैं कि किस पंचायत सिस्टम, अगर ये क्वेश्चन आता है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है 1992 उसके द्वारा. ओके, तो इसे लोकल गवर्नमेंट्स भी बोलते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिंग अ न्यू पार्ट नाइन्थ है जो ऐड किया गया है. ठीक है, पार्ट नाइन्थ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, कुछ मेन कीवर्ड्स हैं इनको दिमाग में रखिए कृपया. फोर्थ पॉइंट इज शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट अबव लोकल गवर्नमेंट्स, शेड्यूल 11 पार्ट 9 तो 73rd अमेंडमेंट. ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए कि शेड्यूल 11 में है, पार्ट 9 में है एंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो डिस्कस करता है वो पंचायत लोकल गवर्नमेंट को करता है. ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज 74th. हमने देखा कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 73rd 74th. 74th जो है वो पंचायत का ना होके वो जो बोला गया है उसके अंदर वो ये बोला गया है कि अर्बन, जब हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है कि म्यूनिसपैलिटीज होनी चाहिए अर्बन एरियाज में जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट की द्वारा तरह से ट्रीट करें. ठीक है, तो वहां पे म्यूनिसपैलिटीज बनाई गई. ठीक है, अब नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स वाज एडेड बाय इंसर्टिंग अ न्यू पार्ट 9A. वो पार्ट 9 था, ये पार्ट 9A है एंड अ न्यू शेड्यूल 11. वो पार्ट 11 था, ये पार्ट 12 है. ठीक है, शेड्यूल 12 है. तो ये आप देखिए जो ये चीजें आई गई हैं वो इसके द्वारा लाई गई हैं. तो दो हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 73rd एंड 74th. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब यू चैनल, वी विल कीप अपलोडिंग न्यू वीडियोज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंडियन पॉलिटी टॉपिक्स. आई होप यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.